एक बार फिर दहेज के लिए गई जान। एक बार फिर दहेज के लिए बुझ गई घर की लाज। दहेज का दानव आज इस कदर बड़ा हो गया है कि वो इंसानी रिश्तों को तार तार करने में लगा हुआ है। महज 25,000 के लिए दहेज के लोभियों ने इस मासूम की ले ली जान। ये घटना है धनबाद के धनसार थाने के चांदमारी की, जहां 22 साल की पूजा की शादी महज 2 महीने पहले हुई थी। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं उतरी थी कि उसके ससुराल वालों ने महज 25,000 के लिए उसे जलाकर मार डाला। बताया जाता है कि पूजा और प्रदीप पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, और जब प्रदीप अपने बिजनेस के सिलसिले में बंगाल के कुल्टी में अक्सर जाया करता था, वहां उसकी मुलाकात पूजा से हुई और ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। और दोनों ने साथ साथ रहने की कसमें भी खाई और फिर दोनों ने शादी कर ली। ये शादी भी दोनों परिवारों के रजामंदी से 31 मई 2011 को सामाजिक रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम से की गई थी। लेकिन किसे पता था कि पूजा के ससुराल वालों के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। ससुराल के लोगों ने पूजा को तो कबूल कर लिया, पर दहेज के लिए उसे बार बार परेशान किया जाने लगा। जबकि ससुराल वालों की तरफ से 50,000 रुपए की मांग में पूजा के घर वालों ने 25,000 रुपए दिए थे, जबकि बाकी की रकम कुछ दिन बाद देने की बात कही गई थी, जो कि प्रदीप के घर वालों को नागवार गुजरी और बीती रात इसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई। और ये बात इस हद तक बढ़ गई कि पूजा को एक कमरे में बंद कर किरोसिन छिड़क कर मार डाला गया। लड़की वो नहीं दिया पैसा, हम गए कि जाके लड़की बाग लगा दिया। हमने देने सका बाबू 25,000 रुपया, 50,000, 25,000 दे दिया, 50,000 रुपया। अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करने वाला प्रदीप अपने को बेकसूर बता रहा है। वो कहता है कि ये शादी लव मैरिज थी और हम दोनों में कभी कुछ कहा सुनी नहीं हुई। वो बिजनेस के सिलसिले में गिरिडीह गया हुआ था, तभी अचानक सुनने में आया कि पूजा खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल गई है। बोले देखो हम जा रहे हैं, तो बोला जाइए आप, देखें हम क्या करते हैं, हम तो जो मजा कर रहे होगी तो हम चलेंगे। इस मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि दोषी चाहे जो कोई भी हो, वे बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कलयुगी समाज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर इंसानियत के खोखले ढांचे को चीख चीख कर बयां करती है। शिकंजा के लिए झरिया से अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।